पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और उसका साइंटिफिक तरीका भी बताया था कि उसका डेरिवेशन कैसे होगा, कैसे वो फार्मूला आया। क्योंकि बहुत लोगों ने यूट्यूब पे इस चीज़ को बताया है लेकिन उनको कारण नहीं मालूम है, उन्होंने इसका कारण बताया ही नहीं है। अब आज का लेक्चर इस बात पर बेस्ड है कि किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे और इसका भी साइंटिफिक प्रूफ मैं दूंगा, मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं दूंगा, ताकि ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए कि ये कहाँ से आया है, इस फार्मूले का ओरिजिन क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब जैसे कि 7 का क्यूब रूट निकालना है तो हम 7 को खोजेंगे। ये देखिए क्यूब वाला जो टेबल दिया है, इस क्यूब वाले टेबल में, नंबर वाले टेबल में नहीं, उसके क्यूब वाले टेबल में खोजेंगे 7 किसके नज़दीक है। पता चला 7 8 के सबसे नज़दीक है, तो हम अब इसको लिख सकते हैं 8-1 क्यूब रूट, क्योंकि हमें बैलेंस करके 7 लाना है तो 8 में से 1 घटाना होगा तभी तो 7 आएगा। अब ये 8 का क्यूब रूट कितना है, 2 है। अब इसका हम जरा 8 का क्यूब रूट पहले लिख लेंगे 2। यहाँ देखिए बीच में माइनस साइन है, अब उस माइनस साइन को हम कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लिखा है 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 कॉपी करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई ये जो हमारा 2 आया है, ये इसको जो है हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके नीचे लिखेंगे और इस स्क्वायर करके नीचे लिख के हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो 7 का क्यूब रूट हो जाएगा। ये पाया गया 1.916। इस चीज़ को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे क्यूब रूट 7 निकालना था तो हम इस टेबल में, क्यूब वाले टेबल में देखेंगे किसके नज़दीक है, पता चला 8 के सबसे नज़दीक है, तो और इसको लिखना है 7, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसका क्यूब रूट ले लेंगे। अब 8 का क्यूब रूट टेबल में दिया गया कि 8 का क्यूब रूट 2 है और हमको पता भी है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब जो बीच में साइन है, ध्यान से देखिएगा, इस साइन को हम यहाँ कॉपी करेंगे और उसके बाद जो उसके बगल में माइनस के बगल में 1 लिखा है उसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखना है ध्यान से देखना है, ये जो हमको 2 पाया गया है 2, इसको जो है स्क्वायर करके यहाँ डालेंगे नीचे तो 4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नियम कहाँ से आया अभी आपको हम बताते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.916। अब हम अगर क्यूब रूट 7 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें तो हमको मिलेगा 1.912। अब इसको और इसको टैली करें तो बहुत ही ज़्यादा करीब हैं दोनों वैल्यू, तो इस मेथड से हम काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू बता सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमको 30 का क्यूब रूट बताना है, अब इस टेबल में देखिए, क्यूब वाले टेबल में, ये क्यूब वाले टेबल में देखना है ना कि नंबर वाले टेबल में, 30 के सबसे नज़दीक नंबर कौन है, पता चला कि 27 है, तो हमने यहाँ लिखा 27। अब हमको 30 लाना है तो कितना ऐड कर दें कि 30 हो जाए, पता चला कि 3 ऐड कर दें। इसका क्या निकालना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 27 का क्यूब रूट हमको पता है कितना है, 3, तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3। अब जो साइन बीच में है इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए नीचे, और जो 3 नंबर उसके बगल में है वो भी आप नीचे कॉपी कर लीजिए, और नीचे जो ये नंबर आया इसको स्क्वायर करिए, पिछले केस में भी हमने स्क्वायर किया था, इसको स्क्वायर करिए कितना आएगा 9, और फिर 3 से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 3+1/9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या आने वाला है, ये हमको मिलेगा 3.111। अगर हम कैलकुलेटर से इसी रिजल्ट को निकालने की कोशिश करें तो हमको मिलेगा 3.107, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक है। तो इस मेथड से काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू हम बता सकते हैं क्यूब रूट की, हमारा काम चल जाएगा, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में, अक्सर इन सब में सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे अक्सर हम फंस जाते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। अब हम आपको 60 का क्यूब रूट दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए।
अब सबसे पहला काम होगा कि टेबल में आप खोजिए, क्यूब वाले टेबल में, कि 60 सबसे नज़दीक किसके है। पता चला 64 के सबसे नज़दीक है, फिर हमने यहाँ लिख लिया 64। अब चूंकि लाना हमको 60 है, 60 है, तो हमको 4 घटाना पड़ेगा, तो हमने घटा दिया, अब ये 60 हो गया। अब इसका क्यूब रूट लेना है। अब ध्यान से देखिए, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए उसका क्यूब रूट। यहाँ जो बीच में माइनस है उसको नीचे कॉपी करिए, और जो बगल में 4 लिखा है उसको भी नीचे कॉपी करिए, और ये जो ये नंबर आया है क्यूब रूट 64 का, 64 का, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और अब हम आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हमको इसकी वैल्यू मिली 3.916। अब हम अगर क्यूब रूट 60 को कैलकुलेटर से निकालें तो हमको मिलेगा 3.914, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक है, देख लीजिए आप। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि काफ़ी एग्जैक्ट वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। अब हम आपको 150 का क्यूब रूट निकालना सिखाने जा रहे हैं, कैसे इसको निकालेंगे, ध्यान से देखिए। वही सब पुराना स्टेप, क्यू, ये जो क्यूब वाली टेबल है, इस टेबल में खोजना है कि 150 सबसे नज़दीक किसके है। तो पता चला कि ये 125 के सबसे नज़दीक है। 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 25, क्योंकि फाइनली तो हमको 150 ही चाहिए, तो ये आपका क्यूब रूट निकालना है। 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। बीच में ये जो साइन है इसको कॉपी करिए, और इसके बगल में जो लिखा है इसको कॉपी करिए, और उसके बाद जो ये नंबर पाया गया इसको स्क्वायर करिए। स्क्वायर करके हम यहाँ नीचे डालेंगे तो 25 हो गया, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा, ये देखिए 25 कट गया, 5 प्लस 1/3, जो कि आएगा 5.333। अब अगर हम 150 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से निकालें तो हमको मिलेगा 5.313, जो कि इसके काफ़ी नज़दीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अब अल्टीमेटली हमको ये बताना है कि ये जो फार्मूला हम लोग बार बार कर रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं, वो कहाँ से आया। ध्यान से देखिए, हमारा कोई भी नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब इसका हमको लेना है क्यूब रूट। अब इसको हम क्या करेंगे, एन क्यूब को बाहर निकालेंगे तो क्यूब रूट होके बाहर आएगा, यानी एन बाहर आएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस b/n³, और ये 1/3 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये नंबर है ये 1 से छोटा है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, जो हम स्क्वायर रूट वाले मेथड में आपको बताए थे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। 1 x^2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 n x, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो x का मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 से कम होना चाहिए। तो इस फार्मूले को लगा के हम इसके लिए फार्मूला डेराइव करते हैं। तो ध्यान से देखिए, आगे हम लिख सकते हैं n इंटू 1 प्लस, अब ये 1/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b/3n³ हो जाएगा। अब n से मल्टीप्लाई करिए अंदर तो ये n आ जाएगा, प्लस b/3n² आ गया। अब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि ये n था तो हम इसका स्क्वायर क्यों करते थे और यहाँ 3 से डिवाइड क्यों करते थे। तो ये बेसिक फार्मूला है, बहुत बेसिक तरीके से डराइव हुआ है, कोई बहुत आसमानी चीज़, कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ नहीं है। अब हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है।